हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीमेल के एक ऐसे फीचर्स के बारे में जिसे ऑन करने के बाद अगर आप अपना पासवर्ड किसी को शेयर भी कर देते हैं या कोई आपका पासवर्ड चुरा लेता है या हैक कर लेता है तो भी वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा। जीमेल के इस फीचर को टू स्टेप वेरिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि टू स्टेप, मतलब इसमें दो स्टेप का वेरिफिकेशन होना ज़रूरी होता है। पहला जो वेरिफिकेशन होता है वो आपके पासवर्ड के थ्रू होता है, दूसरा जो होता है आपके OTP के थ्रू होता है जो कि आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे हर बार आएगा जितने बार आप लॉगिन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस फीचर्स को ऑन कैसे करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं जाहिद और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके आसानी से। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप प्ले स्टोर में जो मेल लॉगिन करते हैं या अपने मेल में लॉगिन करते हैं वो ऑटोमेटिक आपके क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर gmail.com टाइप कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके जो थ्री लाइन है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाइए और यहाँ पर जो आपको डेस्कटॉप लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर करना है जूम और यहाँ पर आपको माई अकाउंट में चले जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे आपका फ़ोटो का आइकन दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी मेल यहाँ पे लॉगिन हैं या फिर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। मैं जैसे कि इस मेल पे टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑलरेडी लगा चुका हूँ तो मैं किसी दूसरे मेल में लगाना चाहता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो जो भी मेल में आप वेरीफिकेशन लगाना चाहते हैं तो उसे चूज़ कर लेंगे। मैं इसमें लगाना चाहता हूँ, इसे चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे साइन इन एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में जाना है। इसे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना है, ये वेरीफाई करेगा कि आप वो पर्सन हो कि नहीं जो आप यहाँ पे वेरिफिकेशन लगा रहे हो। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लिया है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ये प्रॉम्प्ट वाला जो ऑप्शन है उसको यूज़ नहीं करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे डोंट यूज़ प्रॉम्प्ट को क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप वेरिफिकेशन का जो कोड है मैसेज में चाहते हैं या कॉल पे, मैं मैसेज पे चाहता हूँ तो मैसेज में टिक कर लिया हूँ। उसके बाद सेंड पे क्लिक करूँगा। दोस्तों मेरे रजिस्टर मोबाइल पे एक OTP आएगा, उसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो ये मेल है किस किस फ़ोन में लॉगिन है, तो आप उसमें लॉगिन रहने देना चाहते हैं तो रहने दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको टर्न ऑन पे क्लिक करना है। आपका जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है, ये देखिए यहाँ पे वेरीफाइड दिखा रहा है। अगर आप ऑफ़ करना चाहते हो यहाँ से टर्न ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऑफ़ नहीं करूँगा। दोस्तों हमने टू स्टेप वेरिफिकेशन तो यहाँ पर ऑन कर दिया है और ये हर बार आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजेगा, उसे आप डालेंगे तो आपका अकाउंट जो है लॉगिन होगा। लेकिन कई बार होता क्या है कि आप ऐसे जगह पे होते हैं आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता या फिर आपका फ़ोन बंद होता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इसमें बैकअप कोड। बैकअप कोड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड जनरेट करके देगा जिसे आप नोट डाउन करके रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या प्रिंट करके रख सकते हैं, लेकिन ये कोड आपको कहीं पर शेयर नहीं करना है। इसमें जो कोड रहेंगे वो एक कोड एक ही बार ही यूज़ किया जाएगा, दोबारा वो वैलिड नहीं होगा। तो आप देखते हैं इसमें कोड कैसे जनरेट करते हैं। तो आपको यहाँ पर सेटअप पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोड जनरेट हो गया। मैं ये कोड आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट हैक हो सकता है। आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और आप चाहे तो नीचे स्क्रॉल करके गेट न्यू कोड कर सकते हैं, यहाँ पे और आपको न्यू कोड जनरेट होकर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर हो गया है कम्प्लीट। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर किसी भी दूसरे ब्राउज़र में या किसी भी लैपटॉप में लॉगिन करके देख सकते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। चलो दोस्तों मैं आपको दिखा ही देता हूँ ये कैसे काम करता है। दोस्तों दूसरे ब्राउज़र में gmail.com ओपन कर लेंगे या किसी भी लैपटॉप में। उसके बाद दोस्तों आपको साइन इन करने के लिए यहाँ पे साइन इन लिखा है उसमें क्लिक करेंगे।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना मेल आईडी डाल लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दीजिए। देखो दोस्तों मैं आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, तो भी आप मेरे अकाउंट में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों अब आप देख सकते हैं पासवर्ड पता होने के बाद भी वो पर्सन मेरे अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो वो पासवर्ड मेरे फ़ोन में आ चुका है, अब मैं उसे डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक चीज़ है, डोंट आस्क अगेन ऑन दिस कंप्यूटर, मतलब यहाँ पर ये चेक रहेगा तो इस फ़ोन में ये दोबारा OTP नहीं मंगेगा अगर आप इसमें लॉगिन करोगे। तो आप ऐसा चाहते हैं कि आपका फ़ोन है, पर्सनल कंप्यूटर है, आप वहाँ पे बार बार ये OTP मत मंगे और सीधा लॉगिन हो जाए पासवर्ड डालने के साथ ही, तो आप इस फीचर्स को आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेरा डिवाइस है इसलिए मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर वो OTP डाल देता हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर लूँगा। देखिए दोस्तों मेरा अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो गया 2-स्टेप वेरिफिकेशन के द्वारा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो सके इस वीडियो के थ्रू। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके की और वीडियोज आपके लिए लेके आऊँगा, तो आप तक वीडियो सबसे पहले पहुँच सके इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।